दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार है और ऐसे में वो चाहे हम अपने उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें या फिर केंद्रीय विद्यालय में हम शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करें, फिलहाल के लिए अपने इस वीडियो में हम 2-2.5 मिनट आपका लेंगे और ऐसे में हम केंद्रीय विद्यालय में जो रिक्त पद हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। चूँकि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि एक कंप्यूटर टीचर के रूप में मैं KVS में इस समय जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होता है उस पर मैं हूँ, और ऐसे में सरकार की क्या कुछ मंशा है वो भी आपको मैं यहाँ पर एक तरीके से जो जाहिर हो रही है, जो दिख रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। अभी इस समय अगर देखा जाए तो आपका मार्च 2022 का जो आंकड़ा है, जो डेटा है, वो क्या कहता है, लगभग 10,500 केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के पद खाली हैं। प्राइमरी में बात की जाए तो लगभग 5,500 पद हैं, TGT की बात की जाए तो 4,000 लगभग पद हैं, वहीं PGT में 2,000 पद रिक्त हैं। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में अभी ये हाल है कि अगर टीचर रिटायर हो रहा है तो उसकी जगह पर ये सोचा जा रहा है कि संविदा में उसे ही रख लिया जाए कम पैसों में। आपको पता है संविदा में कम पैसे ऐसे लाख रुपए मिलते हैं, उसमें आपका काफ़ी कुछ कम पैसा होता है। मैं इसके बारे में KVS के वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार संविदा से पूरी की पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल वाली चीज़ों को जो है अपना रही है, उनको ऐसे में शामिल कर रही है। और पद रिक्त हैं, जो डेटा आया है वो RTE जब राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं उसके बाद वो डेटा जो है वो जारी हुआ है। लगभग 10,500 अगर मैं बात करूँ तो पद जो है वो रिक्त हैं। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में वो ज़रूर बताइएगा कि रिटायर हो रहा है टीचर, उसके बाद भी एक नई शिक्षक भर्ती जो 2018 के बाद से नहीं आई है, मैं केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ, 4 साल बीत गया लेकिन अभी तक जो है वो भर्ती एक जो प्रॉपर एक परमानेंट भर्ती होती है वो देखने को नहीं मिली है। उम्र हो चुकी, आप समझ रहे हैं, 30 साल PRT की एज होती है, बच्चों की उम्र निकल चुकी है, ऐसे में तो वो भर भी नहीं सकते, 4 साल वैसे भी वैकेंसी नहीं आई। आपका क्या कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अभी फिलहाल के लिए हम ग्राउंड में, आज संडे माफी जाएंगे, सैटरडे वाला दिन है तो सैटरडे वाला जो है वो एक फन डे वाला होता है, तो बच्चे यहाँ पर सब जो है एक्टिविटी करते हुए, ठीक है, मुलाकात होगी आपसे जो है, कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा, इसके बारे में एक बार ज़रूर अपने शब्द लिखिएगा। थैंक यू आप सभी का।